हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और मेरा दावा है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कहीं पर भी स्किप करोगे तो फिर आपका ही नुकसान हो जाएगा। लाइक जरूर कर देना, लाइक करने में कंजूसी मत करना दोस्तों, एक लाइक तो बनता है प्लीज, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लें। पहले क्वेश्चन पे आ जाए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये जो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ग्राफ दिया होगा और ग्राफ देख के शून्य कितने होंगे वो बताना होगा, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, यहां हमसे बोल रहे हैं किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ निम्नांकित आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको शून्यकों की संख्या बतानी होगी कि कितने होंगे, ठीक है। तो देखो, पहली चीज तो ये नोटिस करो, y बराबर हमें क्या दे रखा है, px। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी चीजों के लिए। देखो, जब y बराबर px बोला ना, तो जो आपका बहुपद है वो x के फॉर्म में है, यानी कि आपको x निर्देशांक में देखना पड़ेगा। किस कहां पर, x अक्ष में देखना पड़ेगा, x अक्ष में। अगर यहाँ x इज इक्वल टू पी वाई होता तो हम y अक्ष में देख रहे होते, ठीक है। ये चीज कोई नहीं बताता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष, ये x अक्ष में कितने जितने कट पॉइंट होंगे उतने ही शून्य होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे ऐसे गया तो यहाँ पे कितने कट पॉइंट, कितने बिंदु पर टच किया उसने, एक बिंदु पर टच किया, तो इसके शून्य कितने होंगे, एक होंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें कितने कट पॉइंट में टच कर रहा है, एक x अक्ष पर, दो तीन, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य हो जाएंगे तीन, ठीक। इसके शून्य कितने होंगे, तीन। यहां देखो कितने पॉइंट पर, एक दो तीन चार, तो इसके कितने शून्य होंगे, चार शून्य होंगे। यहां पे आ जाइए, कितने शून्य, एक दो तीन शून्य, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त, सिंपल है, एक नंबर में आएगा ही आएगा, देखना एक क्वेश्चन। फिर यहां पे आ जाओ, कितने बिंदु पर, एक दो तीन बिंदुओं पर, तो तीन शून्य है, ठीक है। यहां आ जाओ इस वाले में, एक दो, तो यहां पर दो शून्य है, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जो द्विघात बहुपद होती है उसका वक्र किस, वक्र के आकार का नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जो द्विघात बहुपद होती है उसका जो ग्राफ बनता है या उसकी जो आकृति बनती है उसके आकार का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है परवलय। क्या होता है, पैराबोला कहते हैं अंग्रेजी में, परवलय। ये दिमाग में डाल लीजिए, एक नंबर में हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि जो द्विघात बहुपद होती है उसकी आकृति का नाम क्या होता है, तो उसकी आकृति का नाम होता है परवलय। परवलय जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पैराबोला, क्या कहा जाता है, पैराबोला। उसकी आकृति ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, परवलय होता है, पैराबोला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस तीन के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्य ज्ञात करना है तो बहुत ही आसान प्रश्न है। शून्य के लिए सबसे पहले एग्जाम में जैसे लिखेंगे ना वैसे लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है हमें, क्या दिया है, बहुपद दे रखा है हमें, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, बहुपद पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस तीन, ये बहुपद हमें दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है दोस्त, हमें निकालना है शून्य, तो यहां लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, जैसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के रूप में लिखना बहुत जरूरी होता है। शून्य के लिए क्या होता है, जो बहुपद होता है उसको हम जीरो के बराबर रख देते हैं, ठीक है, इसको हम जीरो के बराबर रखते हैं, तो शून्य क्या है हमारा, एक्स बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस तीन शून्य क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर रख दिया तो माइनस का तीन इधर आगे प्लस का तीन, वर्गमूल निकाल देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट तीन, ये हमें हमारा शून्य बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता है एक्स की जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं, यहाँ एक्स की घात दो है तो शून्य दो है, एक प्लस का अंडर रूट तीन, एक माइनस का अंडर रूट तीन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक नंबर में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ये जो द्विघात बहुपद है इसके हमें शून्य ज्ञात करने। तो देखो दोस्त, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है, हल में आ जाओ, हल लिखो या सॉल्यूशन लिखो जो आपको लिखना है,
दिया है। क्या दिया है? हमें बहुपद दे रखा है। बहुपद पी एक्स बराबर हमें दे रखा है कितना, 3x² - kx - k4। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। फिर हम यहां लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए। ठीक है, ये हम लिख देंगे शून्य के लिए लिखेंगे। तो शून्य हमारा क्या है, देखो इस बहु शून्य के लिए हमारा जो बहुपद होता है पी एक्स, उसको हम जीरो के बराबर रखते हैं। ठीक, तो रखो जीरो के बराबर, 3x² - x - 4 बराबर जीरो। गुणनखंड विधि लगाएंगे, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ करने पर ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 12 है, फिर ये वाला चिन्ह हम देखते हैं, और घटाने पर इसका गुणज हम देखते हैं, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और घटाने पर 1 आना चाहिए, तो वो दो संख्या क्या है, 4 और 3। 4 और 3 की गुणा करोगे 12 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। ठीक है, हल करते हैं। 3x² यहाँ माइनस है, ब्रैकेट लगाओगे, जब भी माइनस होगा ब्रैकेट लगा के मान रखना है। 4 और 3 4x घटाने का चिन्ह, फिर 3x - 4। ठीक है, ये जो माइनस है अंदर से गुणा कर देनी होती है ब्रैकेट में, माइनस के 4x - - +3x। ठीक, अब अगर आप इसको हल करोगे ना तो फिर से आपको यही मिल जाना है दोबारा, ये ध्यान रखना है। तो दो गुणनखंड बन जाएंगे, एक गुणनखंड यहाँ से, एक गुणनखंड यहाँ से। कैसे, देखो एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना। अब पहले जोड़े से देखो, इधर x है, इधर x² है, कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा, 3 बचा। x² से x बाहर निकालेंगे, 1x बचेगा, माइनस ये x बाहर आ गया, यहाँ से 4 बचा, प्लस का चिन्ह लग गया। कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो एक होता है, तो जब एक निकालोगे तो पूरा वैसा का वैसा आ जाता है। अब देखो ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किया है। अगर सेम टू सेम नहीं आ रही तो हमने गलत किया है, और जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, 3x - 4, और ये चीज और ये चीज दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगी। ठीक है, ये एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा गुणनखंड बन गया। तो अब यहां लिखोगे, यदि यदि 3x - 4 बराबर जीरो, तो माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और यहाँ पे ये जो 3 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये पहला शून्य का हमें मिल गया। दोबारा से, यदि x + 1 बराबर जीरो, ठीक है, तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -k1। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते, कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 हो। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और हर साल ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ हल में आ जाओ। ठीक है, हमें क्या दिया है वो हम लिखेंगे, दिया है क्या, दिया है शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमें दे रखा है 0, और उसके बाद गुणनफल है √5। फिर लिखेंगे शून्य का गुणनफल, क्या दे रखा है, अल्फा गुणा बीटा, ये हमें दे रखा है √5। ठीक, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालनी है, द्विघात बहुपद। क्या होता है सूत्र, x² - α + β + α β, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र में मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, 0 गुणा x, अल्फा बीटा का मान है √5। तो यहां से आ जाएगा x², और 0 में किसी से भी गुणा करो वो 0, ठीक है ना, और ये आ जाएगा प्लस के √5। ये हमें हमारा द्विघात बहुपद मिल जाए। कई बच्चे बराबर 0 लगा देते हैं, बराबर 0 लगाने से आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो समीकरण हो जाएगा, हमसे बहुपद पूछा है, समीकरण नहीं,
ये चीज ध्यान रखना। तो एग्जाम में लिखना कैसे है वो भी जरूरी है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ठीक है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं करवा रहा हूं, जैसे एग्जाम में करना है वैसे ही लिखवा रहा हूं प्रॉपर वे में। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, इसके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध भी ज्ञात कीजिए। आएगा आएगा, ये तो 100% इस साल आएगा ही आएगा, मेरा दावा है आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, सबसे पहले देखो हल में आ जाते हैं, हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो डायरेक्ट कर दे शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या करते हैं हम दोस्त, जो बहुपद होता है उसको जीरो बराबर मानते हैं, बहुपद है ना, इसको हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। तो ये हमारा है 3x2, एक्स स्क्वायर के बाद x का पद आता है माइनस के 28, इसको हमने जीरो के बराबर मान लिया। आपको बताया इसकी गुणा इसके साथ, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 28 दिया, 3 8 24, हासिल लगा दो 3 2 6 और 2 8, 84 आए, और घटाने में 5। अगर आपको मन में ये संख्या नहीं आती है तो हमें क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। तो देखो 8 3 24, ठीक है, देखो 2 से काटो, 2 2 6 8, 2 3 4, 2 3 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। अब घटाने पे 5 आना चाहिए ना, तो देखो 7 2 14, 3 2 6, नहीं बन रही बात, ठीक है। तो ऐसे जोड़ा बना बना के चेक करना पड़ता है, तो 21 में से 6 घटाओगे नहीं, 14 में से 6 घटाएंगे नहीं बनेगी बात, ठीक है ना, ऐसे जोड़ा बनाना पड़ता है हमें। फिर देखो यहां से 4 2 8, सॉरी 2 2 4, 4 3 12, 12 और 7, ठीक है, ऐसे जोड़ा, 12 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 12 7 84, ठीक है, ऐसे जोड़ा बनाना पड़ता है दिमाग लगा लगा कर, बन जाएगा लेकिन, ठीक। यहाँ से 3x2 प्लस का चिन्ह है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा वाला क्या है, 4 3 12x घटाना है 7x, ठीक है, जोड़ा बन गया, ठीक, एक जोड़ा एक जोड़ा, ठीक। हल करते हैं, पहले वाले देखो 3 का भागा दोनों में जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो कम से कम एक्स का भागा दोनों में जाएगा, 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर आ गया, 1x बचा, 3 चौके 12, एक्स तो पहले ही बाहर है, यहाँ नेगेटिव का चिन्ह, 7 का भागा दोनों में जाएगा, 7 1 7, एक्स बचा, बाहर नेगेटिव है, अंदर चिन्ह बदल के पॉजिटिव हो जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है। ये देखो दोनों समान है, यानी कि आपने सही किया, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, ठीक, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। अब इसको 1 बार 0 मानना है और इसको 1 बार 0 मानना है, यदि एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो प्लस के 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 4, ठीक, और यहां पर देखो यदि एक्स माइनस के 7 बराबर 0, तो माइनस के 7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 7, ये दूसरा शून्य, ठीक है जी। तो इसे हम अल्फा बोलते हैं और इसको हम बीटा बोल दे रहे हैं, ठीक। अब आ जाओ, चूंकि एक के स्थान पर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणज ए होता है 3, बी के स्थान पर क्या है, एक्स का गुणज 5, और सी के स्थान पर क्या है, अचार बद माइनस के 28, ठीक है ना। हमें क्या करनी है दोस्त, हमें करनी है जांच, हमें जांच करनी है, पहले जांच में आ जाओ, पहला जांच क्या है, शून्य को का योगफल, ठीक है, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अभी हम यहां पर मान रखेंगे, तो देखो अल्फा का मान हमारे पास कितना है, माइनस के 4, और बीटा का मान हमारे पास है 7, और बी बी हमारे पास है 5, सही कर रहे हैं ना, और ए का मान है 3, क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन सही है ना, 12 7 84,
ठीक है, 12 में 7 घटाएंगे 5 आ जाएगा, ठीक है, 3 चौके 12, चौके 28, माइनस के 4। हाँ, देखो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। देखो बच्चों, यहाँ 3x था ना, यहाँ पर 3x था, तो यहाँ पर 7/3 होगा, ठीक है, बाकी सब सही है। छोटी सी गलती हमारे पूरे प्रश्न को ले डूबती है, यह जानते हैं। 3 लॉस आ जाएगा, 3 चौके 12 और यहाँ से 7, माइनस के 5/3, ठीक है, 12 में 7 जोड़ोगे माइनस के 5 बचेगा, इधर भी माइनस के 5/3 और इधर भी माइनस के 5/3, ठीक है, आगे दोनों तरफ बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, दूसरा शून्य, दूसरा हमारा क्या होता है, नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए, ठीक, ये हमारा दूसरा सूत्र होता है, यहां रखो। देखो भाई, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है माइनस के 4 गुणा बीटा का मान है कितना, 7/3। सी सी हमारा गया माइनस के 28 और ए कितना है 3, तो देखो 7 चौके 28 और इधर भी माइनस के 28/3, आगे दोनों तरफ बराबर, तो ये जांच भी हमारा क्या है, संतुष्ट है। ओके, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, आप एक बार दोबारा जरूर देखें। कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 हो तो ए का मान क्या होगा, ठीक है, शून्यकों का योगफल 4 हो तो ए का मान क्या होगा, तो सबसे पहले देखो हल में आ जाओ, चैप्टर बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, तो देखो सबसे पहले हमें बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद पी एक्स ये दे रखा हमें, ए एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 4, ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है बहुपद, ठीक। हमारे पास ए के स्थान पर क्या है, ए है, बी के स्थान पर क्या है, माइनस के 8 है, और अचर पद हमारे क्या है, माइनस के 4 है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है हमें, 4 दे रखा है, आप जानते हैं शून्यकों का योगफल 4 दे रखा है जिसका सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए, ये हमें 4 दे रखा है कि नहीं, तो देखो दोस्त, बी बी की जगह पे क्या है, माइनस के 8 और ए की जगह पे प्रश्न में ए ही है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक आगे हल करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये है 4, तो देखो ये हो जाएगा इसके गुणा 4a 8 * 8, 4 गुणे में है, इस तरफ आगे बट्टे में आ जाएगा, 4 * 2 = 8, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से बन गया, ठीक। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप प्रश्नों को दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्य का गुणनफल 6 हो तो ए का मान क्या होगा, हर टाइप के प्रश्न हम ले रहे हैं। सो देखिए, हमें दिया है बहुपद, ठीक, दिया है, क्या दे रखा है, बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस के 6x - 6, ठीक है। सो आप देखो खुद, ए के स्थान पर क्या है, ए है, बी के स्थान पर क्या है, माइनस के 6 है, और सी के स्थान पर भी क्या है, माइनस के 6 है, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, इस प्रश्न में गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल यानी कि ये हमें दे रखा है 6, गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा, ये हमें 6 दे रखा है, ठीक है ना, शून्य का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा यानी कि सूत्र क्या होता है,
इसका सूत्र होता है सी बट्टे ए। ये हमें 6 दे रखा है। देखो दोस्त सी का मान क्या है, सी का मान है माइनस का 6 और ए का मान ए ही है और यहां पर है 6। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख 6 कम 6 तो 6 गुणा ए 6 और 6 कम माइनस का 6, 6 गुणे में इधर आगे क्या हो जाएगा बट्टे में 6 एक कम 6 तो ए का मान आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते कह रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल इतने इतने हो, इन बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। पहला काम हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है, उसके बाद इसका शून्यक भी निकालना है। देखो दिया क्या है, शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है माइनस के 2√3 और फिर हमें दे रखा है शून्य का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा माइनस के 9। हमें क्या निकालना है, पहले द्विघात बहुपद निकालना है, चूंकि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में मान रखो ठीक, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 2√3 बाहर से गुणे में एक्स और अल्फा बीटा का मान है माइनस के 9। हल करेंगे माइनस माइनस प्लस 2√3 एक्स और ये माइनस के 9 ठीक, और ये हमें हमारा उत्तर द्विघात बहुपद आराम से मिल जाएगा, पहला आंसर। अब ये जो द्विघात बहुपद आया है इसको हल करके इसके शून्यक भी निकालने, ठीक। पुनः शून्यक के लिए ठीक है, पुनः शून्यक के लिए, शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रख देते एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस के 2√3x माइनस 9 बराबर 0। अब आप देखो इसका गुणज कुछ नहीं है तो एक है, इसकी गुणा इसके साथ, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 9 है और घटाए तो 2√3 है, कितना 2√3 है। सो देखो दोस्त बहुत ही आसान है, अगर मैं 3√3 को 3√3 से गुणा करूंगा तो 9 आ जाएगा, क्योंकि देखो 3√3 गुणा 3 कितना होता है 3 होता है, तो 3 9 हो जाएगा और 3√3 में से 1√3 घटा दूंगा तो 2√3 बचेगा। एक तो मिल गया मुझे जो चाहिए था, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3√3 एक्स, घटाना है 1√3 एक्स 0 ठीक है जी। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो देखिए दोस्त यहाँ से क्या आ जाएगा x तो माइनस्ट आ जाएगा, x ही आएगा, एक्स स्क्वायर से एक x बाहर आएगा तो एक x बचेगा और यहाँ से बचेगा 3√3 माइनस का चिन्ह। देखो यहाँ से x बचा है ना, तो यहाँ से x बचेगा यानी कि 3√3 माइनस्ट आएगा, ये लॉजिक लग गया, x बचेगा, ये चीज यहाँ आना है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन मैं कारण सही दे रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और 3 को लिख सकता हूँ मैं 3√3 × 3, यहाँ से 1√3 ऑलरेडी बाहर है तो क्या बचेगा 3√3, चूंकि नेगेटिव अंदर का चिन्ह बदल जाता है ठीक है। पूरा कारण सहित देखिए ये चीज और ये चीज समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। गुणनखंड करेंगे, जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाते हैं। इसको एक बार जीरो मानेंगे, यदि x प्लस 3√3 बराबर 0 तो प्लस के 3√3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 3√3 ठीक। ये हमें हमारा पहला आंसर मिल जाएगा, पहला शून्य मिल जाएगा। फिर इसको जीरो मानना है, यदि x माइनस 3√3 बराबर 0 तो माइनस के 3√3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 3√3, ये हमें हमारा दूसरा शून्यक मिल जाएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आराम से बन गया। देखो जो आपके बोर्ड एग्जाम नहीं एनसीईआरटी बुक है ना, उसी आधार के आधार पे क्वेश्चन लेके आए हैं, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं लिया, रिपीट क्वेश्चन नहीं लिया है। बाकी टीचर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो एक ही टाइप के क्वेश्चन को आपको रिपीट रिपीट के घसीट घसीट के पढ़ा रहे हैं। हम इन टीचर के लीक से थोड़े हटके हैं, हर टाइप के क्वेश्चन बता रहे क्योंकि आपने पढ़ाई कर रखी है और हमारे पास इस समय पर समय कम है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम करें यही ज्यादा जरूरी है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ दो है उधर चार है यहाँ तीन है फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है और ऐसे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है दोस्त, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है पुरानी एनसीईआरटी, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं ना बच्चों, वो मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखो प्लेलिस्ट की, ये तो हेल्प करेगी ही करेगी, लेकिन आपका 100% सिलेबस है ना, इसलिए आप पुराने वीडियो जरूर देखो। अगर आपका दोस्त कोई बिहार बोर्ड से रिलेटेड है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी प्लेलिस्ट की, चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगा पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पुरानी एनसीईआरटी भी करा रखी है, पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो वो भी हेल्प करेगा और ये भी हेल्प करेगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, वैसे तो चैप्टर वाइज करा ही रखा है लेकिन कुछ और ले लिए हैं ताकि आप थोड़ा और साथ साथ चलो। अरे द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, द्वि दो, तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां इस ए का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और ये जो ए बी सी क्या होते हैं, ये जो ए बी सी होते हैं ये वास्तविक संख्या होते हैं, क्या होते हैं दोस्त, वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाए, कह रहे हैं देखो हमसे क्या बोला जा रहा है कि आकृति में बहुपद पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, शून्यकों की संख्या बतानी है, तो पी एक्स यानी कि एक्स अक्ष में कट पॉइंट ढूंढने, तो कट पॉइंट कितने हैं, एक दो, तो कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे। हमें वाई वाले कट पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट मिलेंगे उतने ही हमारे शून्य होंगे। इसमें आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल बताना है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है, माइनस के बी बट्टे ए। सो देखो दोस्त यहां पे आ जाओ, ए एक्स स्क्वायर गुणज वन है, बी एक्स का गुणज होता है, एक्स इधर है ही नहीं तो जीरो, सी अचर पद होता है माइनस के तीन, ये मान यहां रख दो, बी हमारा क्या है जीरो है और ए हमारा वन है, जीरो के बट्टे कुछ भी हो जीरो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हमारा जीरो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ दें, कह रहे हैं शून्यकों का गुणनफल बताइए, अल्फा गुणा बीटा इसका सूत्र होता है सी बट्टे ए। देखो सबसे पहले ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणज वन, बी क्या है, एक्स का गुणज सात, सी क्या है, अचरबद्ध दस, अचरबद्ध दस, ए हमारा वन, दस के बट्टे में एक दस, उत्तर आ जाएगा दस, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ दें, कह रहे हैं बहुपद के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस तीन है तो के का मान क्या होगा। जो शून्यक होता है दोस्त वो बहुपद को संतुष्ट करता है, क्या करता है, संतुष्ट करता है, उसको शून्य बना देता है, शून्यक बोला है तो उसको शून्य बना देता है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखो, माइनस के तीन रख दो। हमारे पास बहुपद है के माइनस वन एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस वन, शून्य क्या है माइनस तीन है, तो एक्स बराबर माइनस तीन रख दो, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस तीन रख दिया, के एक्स है ना तो यहां एक्स है तो के के साथ एक्स का मान माइनस तीन, शून्य शून्य का तो शून्य बना देगा, तो यहां से आ जाएगा के माइनस वन तीन तीन नौ माइनस के तीन के प्लस वन, नौ से अंदर गुणा करो नौ के माइनस नौ माइनस तीन के प्लस वन, तो नौ के में से तीन के घटाएंगे आ जाएगा छः के माइनस नौ माइनस के आठ, तो माइनस के आठ इस तरह हो गए प्लस का आठ, तो ये छः गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा दो तीन दो चौके, सो के का मान आ जाएगा चार बट्टे तीन, ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे बहुपद
का एक शून्य दूसरे शून्य का दो गुना है तो के का मान क्या होगा? देखो अगर एक शून्य अल्फा की जगह अल्फा है और बीटा क्या है दूसरे का दुगुना है तो बीटा हमारा दो अल्फा है तो हमें के का मान बताना क्या होगा? ठीक है, के का मान बताना क्या होगा? तो देखो यहाँ ए के स्थान पर क्या है, कुछ नहीं तो गुणा जवन होता है, बी के स्थान पर माइनस का तीन क्या है और सी अचर पद हमारा क्या है फोर क्या है, तो हमसे बोला के का मान दूसरे शून्य का दो गुना है। ठीक है, सो देखो हम तो के का मान क्या होगा? ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपोन है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा सी अपोन है, दोनों लेके चलते देखते कहाँ से आप आता है के का मान। अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह पर टू अल्फा है और बी बी की जगह पर है माइनस का तीन के और ए की जगह पर है वन, तो यह आ जाएगा थ्री अल्फा और यह आ जाएगा थ्री के। ठीक है, तो तीन एकम तीन के का मान आ जाएगा अल्फा। ठीक है, के का मान क्या आ गया अल्फा आ गया। नेक्स्ट अल्फा बीटा की जगह पर क्या है टू अल्फा, सी अचर पद हमारा है फोर के और ए हमारा है वन, ये भी वही रिलेशन दे रहा है फोर अल्फा बराबर फोर के, चार एक कम चार तो अल्फा का मान के आ रहा है। ठीक है, तो के का मान क्या होगा पता नहीं चल पा रहा है। ये चीज हो गई अल्फा, ये अल्फा है देखो दोस्त। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये जो अल्फा है कि ये संतुष्ट करेगा अल्फा इसका शून्य है तो अल्फा स्क्वायर माइनस के थ्री के स्क्वायर माइनस के, तो देखो दोस्त हमने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी की है यहाँ पर आंसर आ जाता अल्फा से गुणा करेंगे ना, मैंने दो सोच लिया इसको तो ये दो अल्फा स्क्वायर है ना, दो अल्फा स्क्वायर फोर के हैं सो दो से काटेंगे तो यहाँ दो आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर जो है प्लस का टू के इधर आगे माइनस का टू के हो जाएगा जीरो हो जाएगा और अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं के रख सकते हैं, यहाँ से देखो रख सकते हैं ना टू के तो यहाँ से के ओबनिस्ट है तो के माइनस टू आ जाएगा दो गुणनखंड आ गए तो या तो के का मान जीरो होगा और के माइनस टू को जीरो लोगे तो माइनस टू इधर के क्या हो जाएगा प्लस टू तो के का मान दो होगा, या तो जीरो होगा या दो होगा, जीरो ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा लेंगे ऑप्शन नंबर बी लेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी मैंने इसको दो सोच लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्य के तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? सो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें कैसे मिल सकता है, जब हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा ज्यादा आ जाएगा तो टू अल्फा बीटा हम क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, ये चीज हो गई। सो देखो ये क्या शून्यकों का योगफल, ये क्या शून्यकों का गुणनफल। ठीक है जी, सो देखो इसका सूत्र क्या होता है माइनस के बी अपोन ए होल स्क्वायर और इसका क्या होता है सी अपोन ए, यही होता है ना। ओके, सो प्रश्न में अगर आ जाओ ए ए की जगह पर एक्स स्क्वायर गुणा वन है, बी की जगह पर यहां पर माइनस का ए है और सी की जगह पर यहां पर माइनस के बी है, रखो सूत्र में यहां पर। सो देखिए यहां पर माइनस माइनस है, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, बी का मान क्या है माइनस का ए। ठीक है, बी का मान माइनस है और ए ए की जगह पर वन है तो देखो माइनस
ऊपर, चूंकि ऊपर स्क्वायर है, अंदर नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऊपर स्क्वायर होने पे वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। टू सी, सी का मान क्या है माइनस के बी, और ए का मान है वन, तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस टू बी, ए स्क्वायर प्लस टू बी, ए स्क्वायर प्लस टू बी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे यदि अल्फा बीटा शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा और ये चीज 10 है तो ए का मान क्या होगा और इस सी का मान क्या होगा ये हमें बताना है, यहां पर जो ए और सी के मान नहीं मालूम। तो देखो दोस्त, थोड़ा छोटा कर लेते ना हल करने के लिए। देखो हमारे पास क्या है, प्रश्न में आ जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सो देखो सबसे पहले चीज क्या है हमारे पास, ए की जगह तो भाई ए है, ए की जगह ए है, बी की जगह माइनस के पांच है और सी की जगह सी है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा शून्य को का योगफल माइनस के बी बट्टा ए होता है, और माइनस के बी बट्टा ए हमें प्रश्न में 10 दे रखा है, 10 के बराबर है। देखो बी की जगह पे क्या है माइनस के पांच, ए की जगह ए है और ये 10 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख माइनस माइनस प्लस तिरछे गुणा करो तो 10 ए 5 कम 5, 10 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा 5 कम 5, 5 में 10, ए का मान आ जाएगा 1/2, ए का मान आ जाएगा 1/2, ए का मान 1/2 कहाँ दिख रहा है, यही ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा बिना हल किए, क्योंकि ए बट्टे दो 1/2 और कहीं नहीं दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है, पता चल गया आंसर कि ये होगा, लेकिन सी का मान मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। अगला चीज क्या है, अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्य को का योगफल जो कि होता है सी बट्टा ए, ठीक है, और ये भी हमें दे रखा है 10 के बराबर, ये भी 10 है और ये भी 10 है। सो देखिए सी का मान सी है, ए का मान कितना है, ए का मान ए है और ये 10 है, ठीक है, तो सी बराबर हो जाएगा 10 ए, और ए का मान जस्ट अभी आपने निकाला है कितना 1/2, ये रख दिया 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, तो सी का मान क्या आ गया 5, ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कह रहे शून्य माइनस तीन और चार वाला दीघा बहुपद क्या आंसर होगा, तो देखो शून्य ये अल्फा है ये बीटा है, मेरा एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, आपने देखा हर एक क्वेश्चन डिफरेंट लिया मैंने, हर एक क्वेश्चन मैंने डिफरेंट लिया, अगर मैं चाहता सेम टाइप के क्वेश्चन ले लेके इस घंटे को 1.5 घंटा का बना देता, जो कि बाकी लोग करते भी हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं करता, आपको आधे घंटे के अंदर ही मैंने पूरे छाट छाट के क्वेश्चन बताए हैं, शानदार क्वेश्चन बताए हैं, और जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो बताए, और आप इनको करके जाओगे ना तो इन्हीं से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी तो है ही है, आपको पढ़ा ही रखा है सब कुछ, ठीक है। दीघा बहुपद निकालना है, ये अल्फा और बीटा दे रखा है, शून्य को का योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो दीघा बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये होता है एक्स स्क्वायर, अल्फा की जगह है माइनस का 3, बीटा की जगह है 4, अल्फा की जगह माइनस 3, बीटा की जगह 4, 4 में से घटाएंगे 1 आ जाएगा 1x, और 4 थी 12 नेगेटिव का, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गलत, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये भी नहीं है गलत, और इसको भाग देके देखो 2 से गुणा कर दो, क्योंकि पॉजिटिव है ना, यहाँ दोनों लेकिन दोनों नेगेटिव है, ये गलत। आप कहोगे भैया ये तो उत्तर में है ही नहीं, ये कैसे सही हो जाएगा, क्योंकि 3 जब गलत हो गए तो तीसरा ही सही होगा, तो भैया ये तो आंसर में नहीं आ रहा है। भाई रुको, क्या करेंगे, हर एक पद में हम भाग दे सकते हैं, समान चीज से भाग और समान चीज से हम बहुपद में गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ 2 है ना, सबको 2 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर बट्टे 2, एक्स बट्टे 2, 2 × 12 है हमारा सही उत्तर, ठीक है जी। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नावली को, वीडियो को दोबारा देखें एंड डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना,
अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब मारो, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और इस वीडियो को पांच जगह के पांच दोस्तों के मुंह पे फेंक के मारो कि भाई सब्सक्राइब कर, वीडियो को पूरा देख, तेरा भी भला हो जाएगा इससे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। बाकी विज्ञान भी हमने पूरी बढ़ा रखी है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है। एक बार चैनल पर जाइए, वीडियो को स्क्रॉल कीजिए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।